श्री कृष्णा गाइस। तो आज हम जा रहे हैं शनिदेव मंदिर पे, वापस करा दें दर्शन। यार दीपक भाई खड़े हुए गोवर्धन चौराहे पे, तो मतलब आधा घंटा हो चुका उनको वेट करते करते। सॉरी ब्रो, ज़्यादा लेट हो गया। मैं भाई का फ़ोन आया था, मैं सो रहा था, तो फटाफट मैं रेडी होकर आया हूँ और भाई खड़े हैं भी चौराहे पे। तो यार सच में यार बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं लेट हो गया काफ़ी, चलता हूँ उनके पास में। तो दीपक भैया मिल चुके हैं मुझे यहाँ पे। सॉरी ब्रो लेट करवाने के लिए। अभी बस पहुंचने वाले हैं कोकलावन मंदिर, ज़्यादा नहीं थोड़ी दूर है, मंजिल दूर नहीं बाबू, बस थोड़ी पास में है। तो बस अभी शनिदेव महाराज के दर्शन हम खुद भी करेंगे और आपको भी कराएंगे, बस ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, मात्र 2 मिनट। तो 2 मिनट में पहुंचते हैं मंदिर पे और आपको कराते हैं दर्शन। बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। सो ये है कोकलावन का रास्ता। रास्ता थोड़ा देखा जाए तो उबड़ खाबड़ है। योगी जी कृपया दर्शन दो इस जगह पे और इस रास्ते को थोड़ा उद्धार करो इस जगह का। श्रद्धालु परेशान होते हैं इस जगह पे, देखो कैसे दच्चियां लग रही हैं। वो किस्मत वाला है जिसके दिल हाथ धरो, हम आए तेरे दरबार हमरी झोली भरो। पहुंच चुके हैं शनिदेव महाराज के मंदिर पे, तो पार्किंग में पीछे गाड़ी लगा दी है भाई ने। अभी स्टार्ट होने वाली है यहाँ से परिक्रमा। कहते हैं बिना परिक्रमा के कोई शनिदेव के दर्शन करने जाए तो उसके दर्शन पूरे नहीं माने जाते, तो ये भी परिक्रमा मार्ग है पीछे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम अभी परिक्रमा। 3 किलोमीटर की परिक्रमा है ये, बस मात्र 20 मिनट में लग जाती है। तो करते हैं परिक्रमा स्टार्ट, लेके शनिदेव का नाम। जय शनिदेव महाराज। अभी हम चल रहे हैं परिक्रमा मार्ग में, तो ये कोकलावन का परिक्रमा मार्ग है। तो ऐसा माना जाता है यहाँ पे श्री कृष्ण ने शनिदेव महाराज को कोयल के रूप में यहाँ पे दर्शन दिए थे अपने, तभी यहाँ का नाम कोकलावन है, तभी इसको कोकलावन के नाम से जाना जाता है, तभी से यहाँ पे शनिदेव महाराज तभी से यहाँ पे शनिदेव महाराज स्थापित हैं। कुछ कहना चाहोगे शनिदेव के महाराज के बारे में? कुछ कहना चाहोगे? फिर ये कि बताने थोड़ी देर में अभी पहुंच रहे हैं मंदिर, ठंड लग रही है, नंगे पैर चलना पड़ रहा है, रास्ता भी एक नंबर है बिल्कुल। रास्ता तो मैं तो नू कहूँ कति जुलम। कुछ कहना चाहोगे रास्ते के बारे में? अभी फोन को भी ज्यादा नहीं निकाल सकते, बंदर चलाने लग जाते हैं फोन छीन के। ये बात तो है, यहाँ पे बंदरों से बड़ा बच के ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। अभी इधर उधर बंदर उंदर घूम रहे हैं, अभी देखो यहाँ पे गायब हो गया यहाँ से, तो बच के बना रहे हैं ब्लॉग। दीपक भैया बच रहे हैं, अपनी पॉकेट को बचा रहे हैं कि बंदर उसकी जेब में से फोन ना निकाल ले गए। मेरा तो भैया हाथ में लग रहा है, निकालेंगे तुम्हारी जेब में से निकालेंगे। बंदर भी स्मार्ट हो गए आजकल, एप्पल पहले छुड़ाएंगे। नहीं भैया किसके पास है एप्पल, मेरे पास नहीं, मैं दबका लेता हूँ ये लोग। हाँ अकेले खा के परेशान हो गए ना। अच्छा जरो बारो आदमी झोंक लगा दे शनिदेव की। जय हो दे दे 10 रुपया दूध पी बे बंदर, तो शनिवार को देने बजरंग बली को देने, दे दे चना खा बे बंदर, दे दे माई। अब नहीं जाने दे भाई, शनिदेव की ये जा रही अम्मा। अभी परिक्रमा हो चुकी है समाप्त, अभी बस मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। तो कैसा महसूस आया दीपक भाई परिक्रमा लगा के? आज मतलब पाप धुल गए, पैर में छाले पड़ गए और पाप धुल गए।
तुम्हारे दिले दिले पाप हाँ किस लिए आए हो शनिदेव को दर्शन करने के लिए किस लिए आए हो अगर पाप नहीं किए तो भाई साहब हमने तो पाप करे हैं पता है गंगा जी कौन जाता है जिसको परोसा होता है मैंने पाप किए होंगे हाँ। वो जाता है तो हम भी यहाँ आए हैं है कुछ भरोसा कि हमने पाप किए हैं हमने भी किए होंगे जाने वो कोई ना कोई पाप सब दिल जाएंगे जय शनिदेव महाराज तो बस अभी हैं क्या दिन सुधारने के लिए चलो कोई बात नहीं अपना अपना मानना है तो मंदिर आ गया है परिक्रमा मार्ग से बस थोड़ी सी दूर मंदिर है तो मंदिर के दर्शन कराएंगे देखिए ये हमारा शनिदेव का मंदिर चलते हैं अंदर तो पहुंच चुके हैं शनिदेव मंदिर के करीब थोड़ा पूजा का सामान लेके चलते हैं शनिदेव के मंदिर के अंदर करते हैं श्री शनिदेव महाराज के दर्शन सामान लेना क्या कुछ पूजा के लिए सामान हाँ पूजा के लिए सामान लेना सरसों का तेल लेना लोहे की कटोरी लेनी है अगरबत्ती लेनी है माचिस लेनी है तो ले लो कपड़ा लेना है काला कपड़ा बाजरा लेना है गेहूं के दाने लेने हैं सब कुछ लेके आइएगा अगली बार से घर से ठीक है जी ठीक है अब यहीं से ले लीजिए आप है ना एक सेकंड भैया ले रहे हैं ये रोटेशन चलता रहे कटोरी लौटती नहीं आ रहा है हां सही कह रहे हैं सही कह रहे हैं शनिदेव महाराज के दर्शन कर लिए हैं काफ़ी अच्छे दर्शन हुए हैं ये है शनिदेव महाराज का निकास द्वार एक ये है और एक यहाँ पे पीछे निकास द्वार है इधर दो निकास द्वार हैं तो पूजा करने के बाद में यहीं से निकलते हैं पूजा कंप्लीट होगी हमारी जय शनिदेव महाराज कृपा राखी हम पे भी राखी हमारे व्यूवर्स पे भी कृपा राखी अपनी प्रभु सब पे कृपा बनाए रखो जय हो भगवान ये है शनिदेव का कुंड जिसे पुरुष स्नान कर बोलते हैं इधर ऐसा माना जाता है यहाँ पे नहाने से पाप मुक्त होते हैं तो जो भी यहाँ पे आता है एक बार अवश्य नहा के जाता है और अगर आप भी आएँ इधर तो एक बार अवश्य कुंड में नहा के जाएँ और अपने पापों को मुक्त करें और यहाँ पे कुछ ऐसा मानना भी है नहा के अपने कपड़े इधर साइड में रखने होते हैं जिस प्रकार देख सकते हो आप लोग इधर रखे हुए हैं और नहाने के बाद तब शनिदेव की पूजा की जाती है दो कुंड बनाए हुए हैं ये है पुरुषों के लिए और जो वो साइड में दिख रहा है वो महिलाओं के लिए तो उधर तो मैं जाऊंगा नहीं तो ये दोनों कुंड हैं इधर नहाते हैं उसके बाद में श्री शनिदेव की पूजा की जाती है जय शनिदेव महाराज मजा आने वाला है कैसा
कैसा टेस्ट लग रहा है? बहुत सटीक सटीक कतई जहर वाला। हाँ हाँ स्पाइसी है या कम स्पाइसी है? बहुत तेज है, बहुत तेज है। तो जो भी यहाँ सनीदेव धाम पे आए ऐसे ऐसे हाँ करने के बाद अगर कोई भक्तगण घर से भूखा आता है तो जल्दी जल्दी में आ जाते हैं, जल्दी में आए ना आए लेकिन उसके बाद उसके बावजूद भी यहाँ प्रसाद ग्रहण करना ना भूलें, जिसे अपन लोग भंडारा बोलते हैं। तो काफ़ी टेस्टी प्रसाद है तो खाना ना भूलें। तो अभी हम यहाँ पे प्रसाद लेते हैं और प्रसाद खाते हैं श्री शनिदेव महाराज का, उसके बाद आपको दिखाते हैं नज़ारा। बाय बाय। वो प्रसाद खा लिया है, टक 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 प्रसाद खा लिया है। प्रसाद काफ़ी टेस्टी था भाई, एक नंबर, फाइव में से फाइव रिव्यू। तो दीपक भाई प्रसाद के बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ प्रसाद कैसा लगा? प्रसाद भंडारे का प्रसाद तो सिखा मैम आपको कैसा लगा प्रसाद? एक नंबर। चटनी चोर ओ भंडारे में तो चटनी चुरा ली। तो ब्लॉग होता है समाप्त और अगर आपको चटनी पसंद आई हो तो लाइक करें, फॉलो करें। अगर आपको चटनी पसंद आए नीचे कमेंट करें, हम चटनी आपके घर भिजवाएंगे। तो ब्लॉग होता है समाप्त। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चटनी के ₹5 पेटीएम करें, नंबर नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कर दें। बाय गाइस, जय शनिदेव महाराज।